घोड़ावन संरक्षण के क्षेत्र में जैसलमेर ने इतिहास रच दिया है। कृत्रिम गर्भाधान के माध्यम से घोड़ावन के पहले चूजे ने जन्म लिया है। सम स्थित घोड़ावन ब्रीडिंग सेंटर में आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन ने घोड़ावन के एक चूजे को जन्म हुआ जो स्वस्थ है। घोड़ावन को बचाने और उनकी संख्या में इजाफा करने की जद्दोजहद में यह अब तक की सबसे बड़ी सफलता है। वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने एक्स पर इसकी जानकारी साझा की। घोड़ावन संरक्षण के क्षेत्र में जैसलमेर ने इतिहास रच दिया है। कृत्रिम गर्भाधान के माध्यम से घोड़ावन के पहले चूजे ने जन्म लिया है। सम स्थित घोड़ावन ब्रीडिंग सेंटर में आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन ने घोड़ावन के एक चूजे को जन्म हुआ जो स्वस्थ है। घोड़ावन को बचाने और उनकी संख्या में इजाफा करने की जद्दोजहद में यह अब तक की सबसे बड़ी सफलता है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता प्रवीण फोनलाइन पर जुड़ चुके हैं। प्रवीण, घोड़ावन की लगातार जो संख्या कम होती जा रही थी वो एक चिंता का विषय था, लेकिन आज घोड़ावन संरक्षण के क्षेत्र में जैसलमेर ने जो इतिहास रचा है वो सराहनीय है। कृत्रिम गर्भाधान के माध्यम से पहले चूजे का जन्म हुआ है, क्या कुछ अभी का अपडेट प्रवीण? जी बिल्कुल, आपको बता दूं कि घोड़ावन संरक्षण को लेकर सरकार प्रयासरत है और इसी को लेकर अगर बात करें तो जैसलमेर ब्रीडिंग स्टेशन में एक मादा का जो है वो कृत्रिम गर्भाधान के द्वारा जो है घोड़ावन के चूजे को जन्म देना एक बात करें तो भारत के लिए नहीं है, पर्यावरण क्षेत्र में सबके लिए सुखद बात है। अगर को बता दूं कि जैसलमेर में जो है पर्यावरण संरक्षण को लेकर जो गोडावन संरक्षण की भी बात सामने है तो गोडावन संरक्षण को लेकर सरकार के द्वारा जो विशेष कृत्रिम गर्भाधान की जो है व्यवस्था करवाई गई थी इसके लिए आज जो वहां कार्यरत है उनको जो है प्रशिक्षण दिलवाया गया था। उसके बाद जो अगर बात करें 24 सितंबर को जो अंडा था वो गर्भाधान के द्वारा जो है निकला और उसके बाद जो अगर बात करें तो अब जो है आज उस चूजे का वो अंडे से बाहर आया। इसको लेकर जो है वहां पर जो है अगर माहौल को देखें तो वहां पर भी जो ब्रीडिंग सेंटर है वहाँ उत्साह का माहौल है क्योंकि सफल कृत्रिम गर्भाधान गोडाउन का होना कहीं ना कहीं गोडाउन संरक्षण को लेकर एक बहुत बड़ा मील का पत्थर साबित होगा। जी जी प्रवीण, तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद।